अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं ऑन चेन और OKX के दरमियान जो कनेक्शन है वो किस मतलब ऑन चेन को OKX के साथ किस तरह कनेक्ट करना है वो बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने OKX पे आना है। OKX एक्सचेंज पे नहीं आना, OKX वैलेट में आना है। देखिए, मेरे ऊपर OKX वैलेट ही ओपन है। जैसे ही OKX वैलेट ओपन होता है, इसे स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और मैनेज क्रिप्टो पे चले जाना है। नेट स्लो है? नहीं, नेटवर्क एरर आ गया। चलें, हाँ ओपन हो गया। ये देखिए, मैनेज क्रिप्टो पे आना है। जैसे ही आप मैनेज क्रिप्टो पे आएंगे तो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऑन चेन का। तो देखें, जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऑन चेन का पेस्ट करेंगे तो इस तरह ऑन चेन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसके क्या करना है, प्लस करना है। ये माइनस है ना, अब तो आपने क्या करना है, प्लस। मतलब माइनस को ख़त्म करेंगे तो प्लस होगा, तो प्लस को मतलब आपने ऐड कर लेना है। प्लस के बटन पर क्लिक करके आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं वापस कहाँ चलते हैं, टेलीग्राम में। टेलीग्राम से हम चलते हैं ऑन चैन में, क्योंकि आज का जो प्रोजेक्ट है वो है ऑन चैन को आपने किस तरह कनेक्ट करना है। तो देखें, ऑन चैन ये है ऑन चैन, ठीक है। प्ले ऑन चैन, तो व्यू रजिस्ट्रेशन गाइड पे आपने क्लिक करना है और यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो ये OKX जो वॉलेट है वो ओपन हो गया। देखें, ऑन चैन यहाँ पे आ गया सारा कुछ, अभी कनेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आएगा पहले। तो वो तमाम दोस्त जिन्होंने ऑन चैन पे काम किया हुआ है, मतलब उनके कुछ ना कुछ कॉइन्स हैं, वो पहले OKX वॉलेट में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पुट करके उसे ऐड करेंगे, फिर इसे क्या करेंगे, ऑन चैन में आके इसे वॉलेट को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। देखें, ये कंफर्म फिंगरप्रिंट, वॉलेट इज़ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर ऑन चैन टोकन क्लेम। यह भाई ऑन चैन क्या हो गया, कनेक्ट हो गया किसके साथ, OKX वॉलेट के साथ, ठीक हो गया। यही वीडियो थी, बाकी जो न्यू बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालने लगा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऑन चैन का। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो बना दी है, सही है।